जो इन अंग्रेजों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, इनको जीना ही हराम कर दिया। हम तब तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। हमारे वीर क्रांतिकारियों को
सजा सुनाई गई 19 दिसंबर सन 1927 में। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि तीनों को एक ही जेल में नहीं रखना चाहते थे। चलिए रोक दें सर। अब फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए ये एक ही समय पर आप लोग सोचिए क्यों तीन जगह पे फांसी दी गई। अंग्रेज सरकार इतना खर्चा क्यों कर रही है, तीन जल्लाद, तीन जेल, तीन जगह की सुरक्षा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये सब के सब एक साथ एक जेल में बंद कर दिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ हंगामा जरूर खड़ा हो जाएगा और नतीजा ये होगा। म्यूजिक फांसी की तैयारी हो चुकी है। अब इनका ब्रिटिश ऑफिसर आ चुका है और तीनों से बारी बारी से इनकी आखिरी इच्छा पूछी जा रही है। ये परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तुम सब इसी लायक हो, यू ब्लडी इंडियंस। हंसते हंसते हमारे ये क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चल रहे हैं। जल्लाद ने उन्हें इशारा पाते ही फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये शाहजहांपुर के तीनों लाल थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। हम इनके लिए अमर रहे का नारा लगाएंगे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, इन सारे क्रांतिकारियों ने खुद शहीद होकर आज हमें ये आजादी दी है कि हम अपने जीवन को इतने सुकून से, इतने खुशी